नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा पूरा टैलेंट, हमारा पूरा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में जरूर काम में आए, लेकिन कई बार ना हमें अच्छी नौकरी आने का पता लग पाता है और ना ही हमारे पास होते हैं उसे पाने के लिए अच्छे रेफरेंसेस। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। दोस्तों, आज के शो में हम जानेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी। फिर हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज, जिसे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंस से। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं रेडियोलॉजी में अपना करियर। रोजगार समाचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस कंपनी की यानी कि उस नौकरी की वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उन जॉब को पाने के लिए। लोकल यानी जयपुर में जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो कंपनी है सेमटेक इन्फोनेट लिमिटेड, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है नेट डेवलपर का पद। अगर बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन लोकली जयपुर की बताती है कंपनी अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या डिमांड करती है कंपनी। तो क्वालिफिकेशन के नाम पर बीटेक या फिर बीई आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस नौकरी में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी डिमांड करती है कंपनी आपसे। साथ ही 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए सालाना का शानदार सा पैकेज भी ऑफर करती है कंपनी आपको। और अगर नौकरी आपको पसंद है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि है www.semtechinfonet.com। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी को आप अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगर, तो इन्हें अपना रिज्यूमे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं इनके ईमेल आईडी पर। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है renu.singh@semtechinfonet.com। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं, जिससे आपको ईमेल भेजने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगली कौन सी वो कंपनी है जो कि आपको ढूंढ रही है लोकली जयपुर में। तो अगली कंपनी है एथिकल मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इनके पास वेकेंट है आपके लिए वो पद है फील्ड कोच ट्रेनर का पद। अगर बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन लोकली जयपुर बताती है कंपनी अपनी। अगर बात करें हम योग्यता की, तो योग्यता ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी, वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं आप, आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस किसी भी स्ट्रीम में। अगर अनुभव देखें तो 10 से 18 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे। साथ ही सिर्फ और सिर्फ 1 सीट वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए, तो जल्दी सप्लाई कीजिए कहीं सीट किसी और के हाथ ना लग जाए। साथ ही 6,50,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है कंपनी आपको। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है इस कंपनी से रिलेटेड या फिर इस जॉब से रिलेटेड, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं इनके फोन नंबर पर कॉल करके। इनका फोन नंबर है 09999716771। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस कंपनी को इस जॉब के लिए। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है swati@ethicalmanpower.com। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कौन सी वो कंपनी है जो कि आपको लोकली ढूंढ रही है। तो अगली कंपनी है आर्ट इंडिया, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है असिस्टेंट मर्चेंट का पद। अगर बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन लोकली जयपुर की बताती है कंपनी अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस जॉब के लिए। तो वो क्वालिफिकेशन होगी डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो, फैशन डिजाइनिंग में खासतौर पर। अगर अनुभव की बात करें तो 0 से 3 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप बेझिझक। साथ ही 4 सीट्स वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही कंपनी आपको 1,25,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है। साथ ही अगर नौकरी आपको काफी पसंद आई और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, जो कि artindia-jaipur.com। स्पेल चेक के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं इनके फोन नंबर पर फोन करके। इनका फोन नंबर है
3970166। चलिए दोस्तों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में पहली कौन सी वो जॉब है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो पहली जो जॉब राजस्थान में आपका इंतजार कर रही है वो है इंडिया निवेश सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है रिलेशनशिप मैनेजर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो बड़ी वेरियस लोकेशन ऑफर करती है कंपनी आपको, जैसे कि अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और कोटा की लोकेशंस। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही 2 से 4 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे और 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है कंपनी आपको। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। और अगर नौकरी आपको काफी पसंद और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि www.indianivesh.in। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 0226188827। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में अगली कौन सी वो कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए वेकेंट है वो पद है क्रेडिट ऑफिसर का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो अजमेर, अलवर और बीकानेर की लोकेशंस ऑफर करती है कंपनी आपको, यानी कि इन तीनों जगहों में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। साथ ही अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी कि आपने बैचलर इन कॉमर्स किया हुआ होना चाहिए। साथ ही 1 से 4 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे और 8 सीट्स वेकेंट है इस कंपनी के पास आपके लिए। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। और ये कंपनी आपको 1,75,000 रुपए से लेकर 2,25,000 रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है। तो अगर ये पैकेज और ये सारी वैकेंसी आपको पसंद आई है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। और आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा इस नौकरी के लिए खास तौर पर इनकी वेबसाइट पर जो कि www.ujjivan.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही इस कंपनी से आप फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 0113043-2135। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है shalini.sengar@ujjivan.com। चलिए भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कौन सी वो कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है राजस्थान में। तो अगली कंपनी है ऑस्कर मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। और जो पद ऑस्कर मेडिकेयर के पास आपके लिए उपलब्ध है वो पद है सेल्स एग्जीक्यूटिव का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो वेरियस लोकेशंस ऑफर करती है कंपनी भी आपको, जैसे कि कोटा, जोधपुर और उदयपुर की लोकेशंस। अगर योग्यता की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन, तो एमएससी आपने की हुई होनी चाहिए अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो। साथ ही 0 से लेकर 2 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। साथ ही 1,75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी ऑफर करती है ये कंपनी आपको। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि www.oscarmedicare.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है जो कि आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनके फोन नंबर पर, उन्हें फोन कर सकते हैं। इनका फोन नंबर इस प्रकार है 0114107615। साथ ही आप ईमेल के थ्रू भी इस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है vikas.sharma@oscarmedicare.com। स्पेल चेक के लिए आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ईमेल भेजने में कोई भी परेशानी ना हो और आपका ईमेल बहुत ही इजीली चला जाए। दर्शकों, राजस्थान सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1800 भर्तियां निकाली है। तो यदि आप भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी। राजस्थान वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1800 भर्तियां निकाली है। इसकी परीक्षा पूरे राजस्थान में 29 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा चुके हैं और अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गए हैं। एग्जाम पैटर्न
इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इस एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम में मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस राजस्थान से संबंधित है। ऐसे में कैंडिडेट्स को चाहिए कि राजस्थान के जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री आदि विषयों की डीप स्टडी करें। करंट अफेयर्स से रखें खुद को अपडेट। कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस रहता है। ऐसे में न्यूज़पेपर और मैगजीन की हेल्प से देश और दुनिया में घट रही घटनाओं पर नजर रखें। इसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार करें तैयारी। कंपटीशन एग्जाम के लिए सब्जेक्ट के अनुसार नोट्स बनाना आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये नोट्स रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी में भी मददगार साबित होंगे। ऐसा करने से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके साथ ही वन विभाग की सारी नीतियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वन विभाग की कार्यप्रणाली और योजनाओं की जानकारी से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव स्किल्स। इस सेक्शन में ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एवरेज, लॉस, प्रॉफिट, गति, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज। इस सेक्शन में राजस्थान और भारत की संस्कृति और इतिहास के साथ अर्थव्यवस्था और जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतिहास। इस सेक्शन में भारत, भारतीय इतिहास के चर्चित स्थल, ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, स्वतंत्रता आंदोलन और राजा और साम्राज्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जियोग्राफी। इस सेक्शन में क्षेत्र, नक्शे, खदानें, जनसंख्या और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशल स्टडीज। इसमें समाज के विकास, व्यवस्था और समाज की प्रकृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम लिमिट का रखें ध्यान। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा टफ है रिटन एग्जाम क्लियर करना। कैंडिडेट्स को 90 मिनट में 100 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, जिसमें गणित भी शामिल है। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को टाइम लिमिट में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स सैंपल पेपर से टाइम लिमिट में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उनके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, जाना अपने फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में सफलता पाने के लिए ये कुछ खास टिप्स। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी है। साथ ही साथ हम जानेंगे रेडियोलॉजी के बारे में, तो आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं रोजगार समाचार में।